जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बिजली विभाग भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे, इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। इसके अलावा आप जो अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी फिर से लेकर के आया अनअकैडमी टीटी चैंपियनशिप, जो कि आपकी 6 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे होगी और इसका टाइम ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का होने वाला है। तो अगर आप इसको लाइव अटेम्प्ट करते और उसके अंदर आपकी रैंक फर्स्ट आती है, तो आपको 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा, जो कि अमेज़न वाउचर के रूप में होगा। जिनकी रैंक 2 से 5 के बीच में आएगी, उनको 1,000 रुपए का अमेज़न वाउचर मिलेगा, और जिनकी रैंक 6 से 10 के बीच में होगी, उनको 500 रुपए का अमेज़न वाउचर दिया जाएगा। इसी के साथ अनअकैडमी यहां पर लेकर क्या है, मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपीटीटी स्टूडेंट, जो कि आपकी 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली है। और इसमें यहां पर जो आपकी टाइमिंग रहेगी किन सब्जेक्ट पर, वो आप देख सकते हो। जैसे कि यहां पर क्विज सीरीज ऑन मैथ्स फॉर एमपीटीटी, ये आपकी सुबह 9 बजे होगी, जो कि ललित कुमार जी के द्वारा ली जाएगी। इसी प्रकार से आगे का स्केड्यूल भी आप यहां से देख सकते हो। इसी के अलावा आपका अनअकैडमी रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीटीटी पेपर फर्स्ट पर भी हो रहा है, जिसकी जो डेट है वो आपकी 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2020 है। इसकी जो टाइम लिमिट है या फिर स्केड्यूल है, उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा टी20 डेली टेस्ट फॉर्म, जो कि टॉप एडुकेटर के द्वारा तैयार किए गए हैं, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वॉच कर सकते हो। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020, एवरीडे 6 बजे होगा। इसमें आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं और बाकी टेस्ट में भी आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं। एनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो यहां पर आपको 12 मंथ का प्लान 6,000 रुपए का पड़ जाएगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों यहां पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको पूरी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराऊंगा। तो जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग 7 दिसंबर 2020 से लेकर 8 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। अब मैं आपसे यहां पर ये जानना चाहता हूं कि जब इसका लिंक एक्टिवेट होगा 7 दिसंबर 2020 को, क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं। तो अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे कि सर फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए लिंक एक्टिवेट होते ही वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। फिर यहां पर आपकी बात आती है एज लिमिट की, जो कि काउंट की जाएगी 8 जनवरी 2021 तक, जिसमें कि मिनिमम एज लिमिट 20 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 42 साल है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी, वो भी सिर्फ जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि हरियाणा के निवासी है। अन्य स्टेट के कैंडिडेट यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहां पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, इसमें यूआर यानी कि अनरिजर्व यानी कि जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, उनको जनरल के अंदर ही रखा जाएगा। फीमेल एंड हरियाणा रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस ₹125 रखी है। और जो हरियाणा के पीएच कैंडिडेट हैं, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये फ्री में आवेदन कर सकते हैं। फीस को जमा करने का मोड ऑनलाइन रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपसे फुल टाइम बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए, या फिर उसके बराबर कोई योग्यता, जिसमें कि आपके कम से कम 60% होने भी जरूरी है। साथ ही आपने 10वीं स्टैंडर्ड तक हिंदी या फिर संस्कृत वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा हो। फिर यहां पर जो आपकी पोस्ट है वो है असिस्टेंट इंजीनियर की। इलेक्ट्रिकल काडरे के लिए यहां पर इलेक्ट्रिकल में 168 पद है, मैकेनिकल में 15 है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल काडरे में यहां पर सिविल के लिए 18 पद निकाले हैं। तो ये आपकी यहां पर वैकेंसी डिटेल है। इसके बाद यहां पर जो आपकी यूटिलिटी वाइज वैकेंसी डिटेल है, यानी कि किस यूटिलिटी के अंदर कितने पद है, वो आप देख लीजिए। जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल HVPNL में 19 पद है, HPGCL में 13 पद है और UHBVNL में 61 पद है, DHBVNL में 75 पद है। इसी प्रकार से असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में यहाँ पर HPGCL के लिए 15 पद हैं, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में HVPNL में 8, HPGCL में 8, UHBVNL में 1 और DHBVNL में 1। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी वैकेंसी डिटेल आपने देख ली है। अब इसका
जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपके सामने है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि आपको ये सब जानकारी दी है जिसको सॉर्ट करके मैंने आपको बताया है। यहाँ पर दोस्तों जो क्वालिफिकेशन मैंने बताई है उसके अलावा यहाँ पर आपसे जो गेट है वो भी क्वालिफाई मांगा है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेसिकली जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई करोगे क्वालिफिकेशन के माध्यम से उसी में आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए, या तो 2019 या फिर 2020 तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर सैलरी आपको जो दी जाएगी वो आपको 53,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये दी जाएगी। तो यहाँ से आप क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल्ड में जानकारी कन्फर्म कर सकते हो जो कि वहाँ से अभी कन्फर्म नहीं हुई थी। अन्य जानकारी सेम है, नीचे आप यहाँ पर डिटेल्ड में कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हो कि किस कैटेगरी में किस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो किस कैटेगरी के लिए कितनी निकाली है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको डिटेल्ड में सब कुछ जानने को मिल पा रहा है। मैं आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ ताकि आप इसको एक बार डाउनलोड करके जो भी आपकी जानकारी उनको कन्फर्म कर ले। और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के लिए भी बनाऊँ, तो अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए जल्द ही एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये थी आपकी हरियाणा बिजली विभाग भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।